पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का नारा संबल जिले में साकार होता नहीं दिख रहा है। यहाँ नौनिहालों के हाथों में कलम की बजाय झाड़ू थमा दी गई है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में पढ़ने आने वाले नौनिहाल स्कूल में पढ़ने की बजाय झाड़ू लगा रहे हैं। खास बात यह कि स्कूल में स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े स्लोगन तो लिख दिए गए हैं, लेकिन स्कूल में गंदगी के अंबार इस कदर लगे हुए, बच्चों के बीमार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर मोहम्मदपुर कासमी में बच्चे झाड़ू लगाते हैं और स्कूल में बहुत गंदगी पाई जाती है। इसमें टीचर से बात करी तो वो कह रहे थे कि हाँ बच्चे झाड़ू लगाते हैं, इस मामले को क्या कहना है? मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर जानकारी में आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर बच्चे कई स्कूलों में ऐसा होता है कि झाड़ू लगाते हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था की जाती है या बच्चे ही झाड़ू लगाएंगे? इसमें सफाई करनी झाड़ू लगाते हैं विद्यालय में। और सर शौचालय को सफाई करनी नहीं होता है, वही झाड़ू लगाते हैं। सर जैसे झाड़ू नहीं लगाते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जैसे उस स्कूल में पाया गया गंदगी पाई गई है और शौचालय को आपको देखा गया, वीडियो दिखाई गई है आपके लिए, तो उसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, यदि दोषी पाया जाता है उसके कार्रवाई की जाएगी।